हेलो गाइस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर नंबर टू करेंगे हम इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं यहाँ पे क्लास एथ का इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं हम क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर दिया गया है प्रैक्टिस पेपर वन हम पहले ही कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी टोटल सिक्सटी मार्क्स का है ढाई घंटे का इसका टाइमिंग है ये सब मैं उस ही एग्जाम में बता चुकी कि कि किस तरह का आपका पैटर्न होने वाला है और बहुत अलग पैटर्न है आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए इनकी तो फर्स्ट हम देखते हैं रीडिंग जो सेक्शन है सेक्शन क्वेश्चन ए देखते हैं इसके अंदर पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आइए स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली कंट्री आज द कॉमन बिलीव डेजर्ट आर नोट जस्ट एंडलेस स्ट्रेच एंड ऑफ बैरन सैन दे आर डाइवर्स लैंडस्केप दैट कैन फीचर्स हिल्स माउंटेन इवन ऑयसिस वेअर लाइफ थ्रिव अराउंड वाटर सोर्सेस देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं कि ये सब जगह सेम लैंड नहीं है कहीं पे क्या है हिल्स है माउंटेन है इवन ऑयसिस है वाटर सोर्सेस हैं कहीं जगह डेजर्ट और होम ऑफ यूनिक फ्लोरा एंड फना जो डेजर्ट होता है वहाँ पे क्या होता है फ्लोरा और फना क्या होता है अलग होता है अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ ड्राइनेस एंड टेम्परेचर वेरिएशन वहाँ पे क्या टेम्परेचर और ड्राइनेस की वजह से जो फ्लोरा और फना है मतलब एनिमल्स है प्लांट्स है वहाँ के क्या होता है उनका जो एडेप्टन है वो अलग हो जाता है वो ड्राइनेस और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव इन टू स्टोर वाटर वाइल्ड एनिमल्स सच एज कैमल स्मॉल डॉक्टर क्रिएचर्स सर्वाइवल फॉर द मिनिमम वाटर ये क्या है कुछ एनिमल्स मिनिमम वाटर के साथ में प्लांट्स क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं वाटर को डेजर्ट में भी हॉट लाइक द हार एंड कोल्ड लाइक द लद्दाख तो क्या डेजर्ट टू टाइप का होगा जो कि हॉट है और लद्दाख जैसे कि जो कोल्ड है बट दे आर ओल शेयर द करेक्टर दोनों ही क्या है ड्राइव हैं द इकोसिस्टम दू प्ले क्रिशियल रोल ऑफ द नेचर बैलेंस ऑफरिंग ब्यूटी एंड द बायोडाइवर्सिटी इन द हार्श आर इट कंडीशन तो मेनली यहाँ पे डेजर्ट के बारे में बताया गया कि रेगिस्तान में किस तरह का कंडीशन होता है तो उसे रिलेटेड क्वेश्चन है फटाफट हमने रीड किया क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथ थी फटाफट हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व करने है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन द यूनिक फीचर डू कैक्टस प्लांट हैव टू अ डेजर्ट कंडीशन क्या डेजर्ट कंडीशन में क्या चाहिए उनको प्लांट को वाटर स्टोर करना ना तो आंसर दे स्टोर वाटर इन द थिक स्टेम तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वट इज एन ओएसिस इन द कॉन्टेक्स ऑफ अ डेजर्ट क्या होता है कौन ओएसिस ओएसिस तो उसे देखो यहाँ पे क्या है सैंड ड्यून अ ड्राई बैरन एरिया अ ग्रीन एरिया विद अ वाटर सोर्सिस ग्रीन एरिया विद अ वाटर रिसोर्सिस और अ टाइप ऑफ डेजर्ट नान तो देखो यहाँ पे ओएसिस दिया गया ओएसिस क्या होता है ऐसा जो एरिया डेजर्ट के अंदर कुछ एक ऐसा एरिया होता है जो फर्टाइल होता है जहाँ पे ग्रीनरी होती है उसे हम ओएसिस कहते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो ये लिखा गया है सेक्शन सी यहाँ पे जो दिया गया है ये देखो अ ग्रीन एरिया यहाँ पे देखो अ ग्रीन एरिया विद वाटर रिसोर्सिस सारा क्या है डेजर्ट है लेकिन बीच में एक एरिया कैसा हो जाता है ग्रीन हो जाता है उसे हम ओएस कहते हैं तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट तो ये आपको पता ही होगा कैमल इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज हाउ डज द चैलेंज द कॉमन प्रसिप्शन ऑफ डेजर्ट तो देखो क्या कहा गया है यहां पर

रेफर एज द ऑफ डेजर्ट एनिमल तो देखो ये कौन से एनिमल्स होते हैं हम इनको कहते हैं जो रात को मूव करते हैं ऐसे एनिमल क्या करते हैं रात के समय एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे एनिमल दैट कैन सर्वाइव ये देखो ये दैट एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा एनिमल दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट तो उसे हम क्या कहते हैं न्यूट्रोल्स कहते हैं उसके बाद पैराग्राफ सेकंड हम रीड करते हैं रीड द पैसेज सेकंड यहाँ पे क्या कहा गया मिस्टर वर्मा एट ग्रेड एट सनशाइन स्कूल डिसाइड टू स्मॉल लाइब्रेरी इन दियर क्लासरूम जो वर्मा है उन्होंने 8th, uh, में क्या किया है एक लाइब्रेरी के बारे में सोचा है क्लासरूम में स्टूडेंट uh, एंडने क्या किया बच्चों से बुक्स कलेक्ट करी और वन फिफ्टी बुक्स उनके पास में होगी फॉर द डिफरेंट जनरा दे रियलाइज दैट मिस्ट्री बुक्स वर द मोस्ट डोनेटेड मिस्ट्री बुक्स क्या है बहुत ज्यादा डोनेट की गई है विद फोर्टी बुक्स वाइल्ड साइंस फिक्शन हैड द लिस्ट इन टेन बुक्स साइंस फिक्शन सिर्फ वहाँ पर मतलब बच्चों को कहा कि डोनेट करो तो 150 फिफ्टी बुक्स उनके पास में आ गई इसमें से जो मिस्ट्री बुक्स थी वो 40 थी और 10 बुक्स कैसे थी साइंस फिक्शन की द क्लास डिसाइड टू सेल द बुक मार्क टू बाई मोर साइंस फिक्शन बुक इसीलिए क्लास ने क्या डिसाइड किया कि वो बुक मार्क बनाकर उनको बेचेगी जिससे और जिससे जो पैसे आएंगे वो क्या करेगी उनसे आ, जो साइंस फिक्शन की बुक्स है और लेंगी मतलब साइंस में जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो बुक्स हैं उनको और लेगी

हाउ मेनी बुक्स डिड द लाइब्रेरी स्टार्ट विद कितनी स्टार्ट किया था वन फिफ्टी तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कलेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखो क्या कहा गया वट वॉज द पर्पज ऑफ द सेलिंग बुक मार्क बुक मार्क बेचने का रीजन क्या था वो क्या चाहते थे साइंस बुक के लिए साइंस फिक्शन बुक्स के लिए क्या चाहते थे परचेज uh, करना चाहते थे ना इसीलिए टू परचेज सी आंसर आ जाएगा टू परचेज मोर साइंस फिक्शन बुक्स उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ड द मोस्ट नंबर ऑफ द बुक डोनेटेड कौन सी बुक सबसे ज्यादा क्या की गई थी डोनेट की गई थी तो बताओ कौन सी बुक सबसे ज्यादा डोनेट की गई थी जो मिस्ट्री बुक थी विच uh, जेनर हैड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक डोनेटेड कौन सी की गई थी मिस्ट्री वाली बुक तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया बेस्ड ऑन द अमाउंट रेज फ्रॉम द सेलिंग बुक मार्क हाउ मैनी बुक मार्क्स वर सोल्ड

15 और आ गई तो अब टोटल कितना होगा ट्वेंटी फाइव तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया है यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है आपको और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको यहाँ पर क्या करना है पैराग्राफ लिखना है इस बार से रिलेटेड उसके बाद यहाँ पर आपको एक हम यहाँ पे गए नोटिस लिखना है थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है? स्कूल के बारे में आपको बताना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या करना है सिक्सटी टू एटी वर्ड में क्या करना है अपने एक डायरी लिखनी है तो ये दो क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट है यहाँ पर तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पहले हम रीड द पैराग्राफ केयरफुल्स अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स हमें articles लगाने हैं, हैं, उनको सोल्व करना है तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन माई सिटी देयर इज म्यूजियम दैट एवरी वन देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर तो हम रीड देखो देखो करते हैं इन माई सिटी देर इज अम दैट एवरी वन शुड विजिट हमारे क्या है गाँव शहर में सिटी में क्या है एक म्यूजियम है जिसे हर कोई विजिट करता है तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बी वेन आई एंटर द बिल्ली बिल्डिंग जब मैंने क्या किया बिल्डिंग में एंटर किया द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वॉज एन एराम डायनोसर स्कैलेटन मैंने क्या देखा वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा क्या देखा डायनो दाइन, डायनोसोर्स देखा तो यहाँ पर थर्ड में यहाँ पर क्या आ जाएगा एन क्योंकि ई है ना तो वोवल से पहले वोवल अगर फर्स्ट क्या हो वोवल हो ए आई ओ हो तो हम क्या लगा देते हैं एन लगा देते तो यहाँ पर सी हो जाएगा आई स्पेंड आ रही। अब देखो यहां पे भी एन लगेगा क्योंकि यहाँ साउंड आ रही है और कहते हैं ना हम घंटे को तो ए की की साउंड साउंड अ आ रही है इसलिए पे भी एन आर लगेगा ठीक एन आर जस्ट लुकिंग एट एग्जिबिशन यहाँ पे भी एन लग जाएगा तो लास्ट के थर्ड तीनों में ही सी आ जाएगा लेटर आई अटेंड अ वर्कशॉप ऑन एंसिडेंट सिविलाइजेशन इट वॉज इनक्रेडिबल क्रेडिबल एंड फन तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहा गया ध्यान से देखते हैं ब्लैंक है जिन्हें हमें सोल्व करना है आइए देखते हैं यू डैश कैन और माइट लगाना है गो टू पार्टी हो यू कैन गो परमिशन दे सकते हैं यू काम करने के बाद तुम पार्टी में जा सकते हो डैश बी एट स्कूल बाई नाउ इट इट्स पार्ट पास नाइन ओ क्लॉक क्या है उसे अब स्कूल में होना चाहिए ही शुड शुड बी एट स्कूल ना हो अभी होना चाहिए आ, क्योंकि नो बज चुके हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए इट डैश बी क्वाइट कोल्ड इन द माउंटेन्स इवन इन समर तो देखो क्या कह रहा है इट कुड यहां पर कैन नहीं आएगा यहां पर कुड आएगा क्योंकि संभावना होती है जब संभावना होती है तो हम कुड लगाते हैं तो हम यहां पर क्या लगेंगे कुड लिख देंगे इट कुड बी क्वाइट कोल्ड इन माउंटेन्स इवन इन समर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो डी है दे डैश नोट एंटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट परमिशन दे मस्ट नोट एंटर यहाँ पे मस्ट आ जाएगा मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं दे मस्ट नोट एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन नेक्स्ट देखिए डैश यू हेल्प मी विद माई मैथ्स होमवर्क कैन यू हेल्प मी है ना हमें लिख सकते हैं कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क

टू यहाँ पे क्या जाएगा सो टू माय ग्रैंड पेरेंट दिस इज दिस गिफ्ट इज टू माय ग्रैंड पेरेंट ये गिफ्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया द कैट इज स्लीपिंग डैश द चेयर द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर क्या है चेयर के नीचे सो रही है कैट्स uh, 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 सो रही कहाँ सो रही है अंडर द टेबल नेक्स्ट देखो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द वीकेंड हम क्या करते हैं पहले से ही वीकेंड के बारे में सोचते रहते हैं तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द वीकेंड्स तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो देखो क्वेश्चन नंबर एट आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है इसी तरीके का क्वेश्चन नाइन में आते हैं यही पैटर्न आपका चेंज हुआ है जिसको आपको अच्छे से समझना है फाइनल एग्जाम जब होंगे नाइन्थ क्लास में या टेंथ क्लास में तो इसी तरीके का पेपर आता है बोर्ड में भी तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है तो यहाँ पे क्या दिया जाता है इनकरेक्ट वर्ड दिया है और उसके बाद में एक एरर दी है तो आइए देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे हम रीड करते हैं क्वेश्चन लास्ट वीक आई गोस टू द जू विद माई फैमिली इट वॉज एक्साइटिंग डे तो देखो लास्ट वीक की बात करें मतलब पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में गोज नहीं आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा गोज क्या हो जाएगा इनकरेक्ट वर्ड हो जाएगा उसकी जगह करेक्ट क्या आएगा वेंट सेकंड फॉर्म आएगी गो की ना तो क्या आएगा लास्ट वीक आई वेंट टू द जू विध मई फैमिली एंड इट वॉज एक्साइटिंग पेपर में किस तरह से करना है आप लाइन लगाइएगा इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड लगाइएगा और लिख दीजिएगा सिर्फ इस तरह से इनकरेक्ट और करेक्ट लिखना है Next, देखते क्या कहा गया। आएगा वी ऑल्सो सा सी फिर फर्स्ट फॉर्म दे दी इन्होंने तो सी की जगह क्या आएगा सा वी ऑल्सो सा सम एलिफेंट दैट वर बींग फीड बाई देअ केयर टेकरस माई लिटल ब्रदर वॉज तो देखो दे बींग अभी फीड उन्होंने क्या दे दी फर्स्ट फॉर्म दे दी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा क्या आएगा सेकेंड फॉर्म आएगा फेड आ जाएगा एफईडी फेड

ट तो तो आपके अभी बहुत ही ईजी आएंगे जिसमें क्या होगा सिर्फ आपको वो वर्ड देखना है वर्ब देखनी होगी उस, उसी में ही चेंज करना होगा ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो फेसिनिएटेड आ जाएगा यहाँ पर ठीक है फ्रॉम ट्री टू ट्री वी एंडेड आर विजिट बाय ईटिंग आइसक्रीम एंड टेकिंग अ अलॉट ऑफ पिक्चर्स रिमेंबर फॉर दिस स्पेशल डे तो ये इस तरह से आपको करना है ध्यान रखेंगे बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है अब लिटरेचर का पार्ट शुरू होता है तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या कहा गया है देखो जोड़ी चैप्टर से दिया गया फोन वाले चैप्टर से है, उस पैराग्राफ दिया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है देखो क्या कहा है दो क्वेश्चन आपको करने हैं जोड़ी देन वेंट टू द किचन जोड़ी कहां गया किचन में गया द फोन वोब आफ्टर हिम अ पैन ऑफ मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ किचन की सेफ पर क्या था एक मिल्क रखा हुआ था सुबह का द क्रीम हैड राइज ऑन इट उस पर क्रीम आ चुकी थी ही स्कीम द द क्रीम जग उसने जग जो उसके अंदर जो, जो क्रीम थी उसको क्या किया निकाला आ, हटाया ही पोर मिल्क इंटू द स्मॉल गॉड और उसने क्या किया मिल्क को एक छोटे से कटोरे टाइप में क्या कर दिया पोर कर दिया ही He फोन उसने क्या किया उसके पास लेके गया बोटेड एंड सडनली स्मेल द मिल्क उसने क्या किया उसको सूंघा और क्या किया मिल्क के पास गया उसने क्या किया पहले तो गर्दन से हिलाई उसके बाद में उसको सूंघा ही सेव द प्रकोशन फ्रॉम द स्पिलिंग ओवर द फ्लोर उसको क्या किया अब जो जोड़ी था उसने क्या किया जैसे उसने हिलाया तो वो बिखर जाता ना उससे बच उसको बड़े ध्यान से बचाया इट कुड मेक नथिंग फॉर द मिल्क इन द गोड अब देखो अब अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट क्या है जोड़ी स्मीक द क्रीम ऑफ द मिल्क बाय एंड पोर मिल्क इन टू अ गार्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा जी ओ यू आर डी गॉड ठीक है मतलब एक कटोरी टाइप को कहते हैं दूसरी अलग सी कटोरी होती है उसको ठीक है

तो क्या कहना चाहता है सब चीजें छोटी नजर आ रही है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इसके अंदर यहाँ पे थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं फाइव क्वेश्चन है आपको फोर क्वेश्चन करने बट हम यहाँ पे फाइव क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन देखिए हाउ डज द चैप्टर पोएट्रीज एंड इमोशनल्स एंड फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द सुनामी ऑन सर्वाइवर्स वो कह रहे हैं कि जब भी कोई सुनामी या ऐसा कुछ आता है तो इमोशनल और फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्या फर्क मतलब क्या इमोशनली कह लो या फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है तो आइए देखते हैं आंसर तो देखो क्या आंसर होगा इसका पीपल अफेक्टेड बाई सुनामी अर्थ एंड अदर डाइजेस्टर एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस एग्जसटी लेवल गो अप उनका जो एन्जाइटी लेवल है वो क्या होता है अप हो जाता है लेवल ऑफ स्लिपलनेस मतलब नींद नहीं आना घबराहट होना ओवर नाइट मेयर्स इंक्रीज आफ्टर शोक एम्पलीफाई ह्यूमन एन्जाइटी क्या करते हैं ह्यूमन एंगजाइटी को क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं एम्पलीफाई कर देते हैं बढ़ा देते हैं मतलब टेंशन हो जाती है ना रात को नींद नहीं आती और अगर हम ऐसा देखते तो हमें डर जाते हैं घबराहट हो जाती है इसी के बारे में बताया गया है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड uh, देखते हैं व्हाट रियलाइज डस द पोएट हैव व्हेन द जेट इन सिक्स माइल हील्स क्या रियलाइज हुआ पोएट को जब वो सिक्स माइल की हिल पर चला गया था तो ये देखते हैं आंसर द पोएट टेल अस दैट व्हेन द जेट रीच द हाइट ऑफ अराउंड सिक्स माइल ही रियलाइज दैट द अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैज मोर सी दैट लैंड क्या कह रहे हैं कि जब वो सिक्स माइल्स uh, पर पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अर्थ कैसी है राउंड हैंड एंड दैट इज एड मोर सी उसके पास में क्या है सी ज्यादा है लैंड कम है बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोस टू हेट ईच अदर भाई जब अर्थ लैंड के लिए जब ऊपर से तो देखो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था क्यों आपस में क्या कर रहे हैं लड़ रहे हैं लोग टू तो बिल्ड वॉल्स क्यों बना रहे हैं जिससे बाउंड्रीज होती है वो क्यों बना रहे हैं अक्रॉस दिटीज टू किल किल और क्यों किल कर रहे हैं ये बातें ऊपर से से समझ नहीं आ रही थी वहां पर से देखने पर देखने कोई कोई बाउंड्रीज़ देश तो नजर तो ही, तो ही नहीं आ रहा था तो वाई ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड कंसर्न डिड मिल विल द चैप्टर दिस इज जोड़ीसोन देखो जोड़ी चेपर में जो मिलविल है वो जंगल में जोड़ी के साथ जाते हैं तो वो उनको वहाँ पे जोड़ी मिलविल ने जोड़ी को अकेला क्यों नहीं छोड़ा इसके बारे में बताना क्योंकि वो घुम ना जाए उसको कोई स्नेक ना बाइट कर जाए ना इसीलिए तो आइए देखते हैं इसका आंसर देखो क्या आंसर होगा मिल विल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव जोड़ी अलोन एज ही वॉज अप्रेड फ्रॉम द जोड़ी कुड लूज हिज वे अपना रास्ता भूल जाएगा एंड गेट बिटन बाय स्नेक और एक स्नेक द्वारा खाया भी जा सकता है ये बात उनको लगी इसलिए उन्होंने अकेला छोड़ना सही नहीं समझा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है second, जो हमने नहीं किया, उसके लिए बनाएंगे. अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए अगर चाहते हैं कि हाँ मैं वीडियो बनाऊ तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी इवेल्यूएट फेयरनेस ऑफ दर्ट डिसीजन नोट टू हेल्प द क्रिकेट इन द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट डू यू थिंक द क्रिकेट डिजर्व हेल्प वाई और वाई नोट तो देखो क्या कह रहे थे कि आपको क्या लगता है कि जो अंट ने उस क्रिकेट की हेल्प नहीं की क्या वो सही था या नहीं था और आपको क्या लगता है कि क्या वो हेल्प डिजर्व करता है उस क्रिकेट की हेल्प करनी चाहिए थी अंट को वाई और वाई नोट आपको दोनों में ही आंसर बताना है कि आप क्या सोचते हैं तो देखो जहां तक सोचे जो जो अपने बारे में नहीं सोचेगा अपने अपने लिए वर्क नहीं करेगा उसकी कोई हेल्प नहीं करता तो क्रिकेट ने क्या किया सारा टाइम यू गाना गाने में समय वेस्ट कर दिया जब उससे फूड की जरूरत हुई तो उसके पास में फूड नहीं था इसीलिए वो अंट के पास गया

फ्रॉम द प्रैक्टिकल गया अगर प्रैक्टिकली हम सोचे तो आंट ने सही किया उसकी हेल्प ना करके द आंट वर्क हार्ड ड्यूरिंग द समर आंट क्या करिए पूरे समर में वर्क हार्ड करिए सेव फूड फॉर द विंटर और विंटर के लिए फूड बचा रही है वाइल द क्रिकेट वेस्ट इट्स टाइम सिंगिंग डिड नॉट स्टोर एनी फूड और उसने पूरे टाइम कुछ नहीं किया सिंगिंग किया और अपना टाइम वेस्ट किया और क्रिकेट ने क्या और जो आंट थी उसने पूरा टाइम मेहनत करी और स्टोर करके रखा फूड तो अगर वो हेल्प नहीं करती है तो इट इज़ जस्टिफाई मतलब जस्टिफाई है कि अगर वो नहीं कर रही है तो आप देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा क्योंकि सही चीज़ का ही हम लिख सकते हैं हम ये नहीं लिख सकते कि हाँ उसे हेल्प करनी चाहिए थी नहीं यहाँ पर हेल्प के लिए बोला जाएगा कि उसे नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑफर ओल्ड मैन मेक द स्पीकर ओल्ड मैन ने स्पीकर को क्या ऑफर दिया था एंड वट वॉज द स्पीकर रिस्पॉन्स और स्पीकर का क्या रिस्पॉन्स था द लास्ट बार्जिन जो चैप्टर है उसके अंदर से ये आया है तो आइए देखते हैं इसका आंसर तो देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अलॉट ऑफ मनी उसने क्या कहा भाई खूब सारा पैसा देगा हावर ही टर्न इट डाउन बिकॉज ही रियलाइज उसने क्या किया इस जो ऑफर था उसको मना कर दिया बिकॉज ही रियलाइज दैट मनी कैन नॉट गिव हिम वट ही एक्चुअली डिजायर उसे वो मनी वो सब नहीं दे पाएगी जो जिसका वो एक्चुअली डिजायर है जिससे वो चाहिए ही हैड नॉट टिलन रियलाइज दैट वट ही हैड एक्चुअली डिजायर वैपीनेस उसे लास्ट तक नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए उसे हैप्पीनेस चाहिए तो देखो क्या ऑफर किया था लोर्ड्स ऑफ मनी है ऑफर किया था लेकिन उसने टर्न uh, क्या किया टर्न एक डाउन कर दिया मतलब उसे वो एक्सेप्ट नहीं किया ऐसा लिख सकते रियलाइज दैट मनी कैन नॉट गिव ही